नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुजफ्फरनगर पहुंचने पर जिला अध्यक्ष हर्ष पाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा के लिए ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। मुजफ्फरनगर के ग्राम ढासरी में भारतीय किसान यूनियन अंबावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ऋषिपाल जी प्रातः 12 बजे किसान पंचायत को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें हमारे किसान यूनियन उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के एवं सहारनपुर मंडल व मेरठ मंडल के सभी अध्यक्ष एवं पदाधिकारी अपनी कार्यकारिणी के साथ पंचायत में शामिल होंगे। हर्षपाल है, मैं भारतीय किसान यूनियन अंबावता का जिला अध्यक्ष हूँ, जिला मुजफ्फरनगर। और हम यहाँ पे बच्चों की शिक्षा और अपने एजुकेशन के बच्चे हैं हमारे, ये अब इनके साथ अन्याय हो रहा है, इन्हें न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर इनके इनकी जो मांगे पूरी नहीं की गई तो किसान यूनियन अपना धरना देगा और इनके आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि अन्याय भैया, अब ये एक ही नंबर से सबकी कंपार्टमेंट आ रही है, सपोज करो किसकी आ जाएगी एक नंबर से। हमारे स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या एक एक नंबर से होंगे? 10, 4, 5, 7 एडमिशन नहीं हो पा रहे। और है जी, अब ये चाहते हैं कि बच्चों को इनके इनके साथ न्याय किया जाए और इन्हें जो एडमिशन दिलाया जाए और इन्हें जो है प्रवेश पत्र दिया जाए उनका बस। और जो इनकी जो री कंपार्टमेंट है वो अपना इन्हें अगले उसमें क्लास में डाला जाए और अपने अगले साल होता रहे। हाँ, इसी बात के लिए किसान के लिए दिया है। हम 23 तारीख हमारी पंचायत भी है और किसान के बालक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कोई बड़े घर के नहीं पढ़ते। हमारी पंचायत गाँव ढांसरी तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर में होगी। इसमें जिला हापुड़, सहारनपुर और आपका शामली, मेरठ मंडल, बहुत बिजनौर के ही जिलों के आदमी इसमें आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता जी आ रहे हैं और उनके शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों चीज़ फ्री होनी चाहिए और गरीब आदमी यही मांगता ही ना, और इससे किसी चीज़ और फालतू मतलब नहीं है।